फलस्तीन के गाजा शहर पर इजरायली हमलों की अब दुनिया भर में निंदा होने लगी है। इन हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं। कई देशों से गाजा नरसंहार का नाम दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इसके लिए इजरायल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ में ऐतिहासिक मामला दायर किया है। अब दक्षिण अफ्रीका को इस केस को लड़ने के लिए कई बड़े देशों का साथ मिल रहा है। कोलंबिया और ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने अलग अलग बयानों में घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकारें गाजा में चल रहे नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक मुकदमे का समर्थन करती हैं। इस लिस्ट में ये दोनों दक्षिण अमेरिका देश नए हैं। इससे पहले कई अरब देश पहले ही दक्षिण अफ्रीका के प्रति अपना समर्थन जता चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व अदालत में मुकदमा दायर करते हुए कहा, इसराइल ने जुनेवा कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। जुनेवा कन्वेंशन देशों को ऐसे सभी कृत्यों को रोकने के लिए बाध्य करता है। कोलंबिया की गुस्तावो पेट्रो की सरकार ने कहा, दक्षिण अफ्रीका का मुकदमा सही दिशा में एक साहसी कदम है। उसे उम्मीद है कि विश्व न्यायालय दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर मुकदमे की तत्काल सुनवाई करेगा और जो अनुरोध किया गया है उस पर बिना किसी देरी के फैसला सुनाएगा। इसने कहा कि फैसले को जल्द अपनाया जाए ताकि कब्जे वाले क्षेत्रों में खून खराबा बंद हो। इसराइल ने गाजा पर अपनी घेराबंदी और तेज कर दी है। ये बहुत ही साफ है कि इसराइल सरकार द्वारा अपनाई गई कार्रवाई और तरीके नरसंहार के कृत्य हैं। इसी तरह राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा और ब्राजील में फिलिस्तीनी राजदूत इब्राहिम अलजिबेन के बीच हुई बैठक के बाद ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ब्राजीलियाई सरकार के समर्थन की घोषणा की। ब्राजील ने कहा वो भी इसराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे का समर्थन करता है। बयान में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के घोर उल्लंघन को देखते हुए राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका की पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ये निर्धारित करने के लिए कहा गया कि इसराइल उन सभी कृत्यों और तरीकों को तुरंत बंद कर दे जो नरसंहार का संबंधित अपराध हो सकते हैं। इसके अलावा अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने भी उसी दिन घोषणा कर दी थी कि नरसंहार करने के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष इसराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर किए मुकदमे का पूरी तरह से समर्थन करना अरब लीग के लिए स्वाभाविक और तार्किक है। हम एक ऐसे न्याय संगत और साहसिक फैसले की उम्मीद करते हैं जो इस युद्ध को रोके और फिलिस्तीन खून खराबे को समाप्त कर दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।